तो आज हम लोग बाइक धोने के लिए जाएंगे, आज हम इसको क्लीन करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे इसे क्लीन करने के लिए। एक्चुअली हम लोग आज हमारे गांव के एक नदी में जाएंगे, इसे वॉश करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो आज का ब्लॉग इसी के बारे में होने वाला है। देख सकते हो कितना गंदा हो गया है मेरा बाइक, तो मैं हो गया हूँ रेडी। तो हमने सारा सामान ले लिया है, सब कुछ इस बकेट में है, तो चलो निकलते हैं। ये जो पीछे डैम दिखा ना अभी, तो हम लोग उसी के ऊपर जाएंगे अभी, चलो उधर में। यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। मैं भी वो ऊपर जा रहा है, तो मैं भी ऊपर जाऊंगा अभी, देख सकते हो। और ये जो डैम है ना, वो 2007 या 2006 में बना है, उसके बाद फ्लड होकर टूट गया था, उसके बाद फिर से बनाया था। तो अभी थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी उधर का जो मतलब पार्ट है ना, जो पानी रुकता है, मतलब गेट है, तो वो गेट अभी भी टूटा हुआ है। जब भी बनाता है फिर मानसून आता है, तो फिर से टूट जाता है क्या। तो चलो देखते हैं ऊपर जाके क्या। फाइनली पहुंच गया ऊपर, इतना मशक्कत की बात क्या, बाद में लाएगा, अभी थोड़ा रुकते हैं, गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं। ओह, नीचे देखने से डर लगता है, शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जो मैंने अभी बताया था ना, टूट गया था इसका गेट, तो ये रहा वो गेट जो टूट गया था, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है कि वो रहा। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तू खाना खाया कि नहीं? खाया। क्या सब्जी? दाल। और नहीं, दाल और कुछ नहीं? नहीं, लॉकडाउन हो गया ना, इसलिए दुकान नहीं है। हाँ, और सब्जी भी नहीं मिलता है ना ठीक से। सब्जी नहीं मिलता है। ये रहा वो डैम जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले था, उसके ऊपर में था हम लोग। तो ये है नदी, अभी बारिश नहीं हुआ इसलिए पानी बहुत, पानी का फ्लो बहुत कम है, लेकिन जब मानसून आएगा ना तब पानी बहुत भर जाता है। और हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि अभी 12 o'clock हो गया है, तो इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग को बहुत पहले आना चाहिए था, देर कर दिया हम लोग ने। अच्छा है तब तो। कहाँ से जाएगा? ओह, उधर में कितना बड़ा पत्थर है, देखो वो वाला। इधर से जाएगा शायद ऊपर, इधर में रास्ता, फिर वहाँ से नीचे आकर उधर में। चलो, इधर में भी है देखो एक ठो, इधर जाएगा उधर पे। कहाँ पे जाएगा? इधर में कि इधर में? इधर में, इधर में। चलो चलो, इधर इधर वाला ही। तो इधर तो रास्ता अच्छा नहीं है ना, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे अभी, इस वाले घर में जाएंगे, वहाँ पे नहीं। और हाँ, ऐसे घर में कोई नहीं रहता है, बस जब वो लोग काम करता है तभी वो लोग रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप चाहे तो रुक सकते हैं यहाँ पे। असली नेचर का मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा जब तक आप गांव में नहीं आते हो, ऐसे जंगलों में नहीं आते हो, तब तक आपको असली नेचर की मज़ा नहीं मिल सकता। और एक बार हाँ, मेरे फेस को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे
यहाँ से खरी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ से खरी चढ़ाई से, चलो ट्राई करते हैं। ओह, तो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं। तो देखो वहाँ से नीचे आया एकदम पूरा, वहाँ से धीरे धीरे करके, और यहाँ पे पहुँचने के बाद नज़ारा क्या है भाई, आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। कहाँ कपड़े रखा, उल्टा गंदा हो गया। खराब अब कर लो फिर से मेहनत डबल डबल। खुश नहीं होगा, लफा कर दिया ना, वॉश कर लो बार बार। मेरा तो काम हो गया, मैंने खुद का कपड़ा धो लिया और बाइक भी वॉश कर लिया। One, two, three. मिला, ए, 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 मिल गया, मिल गया। टार्ज़न बन गया तू। पानी में बहुत मजे करने के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग अच्छे से नहाएंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे पूरी तरह से, उसके बाद जाएंगे यहाँ से, नहाते हैं हम लोग, उसके बाद मिलते हैं फिर से। तो चलो नहाने के बाद मिलते हैं। सारे सामान रख दिया, अब तैयारी है निकलने का। तो हम लोगों ने नहा लिया, सब कुछ हो गया, अब टाइम है जाने का। सारे सामान रख दिया हम लोग यहाँ पे, और हाँ ये जो मेरा बकेट है यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो इसे हम इसलिए बांध के ले जा रहे हैं। तो इसे बांधने के बाद लोग निकलेंगे अपने घर को। अभी मौसम भी ख़राब लग रहा है, शायद बारिश आएगा, तो जल्दी से निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, जब हम लोग वहाँ पे जाके बाइक वॉश करके आया था तब मैं घर पहुँचा, तभी थोड़ा बारिश शुरू हो गया था, इसलिए मैंने सो गया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और नीचे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देने वाला हूँ, और क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ तो इसलिए मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, बाय बाय।